शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के टंगमर्ग इलाके की अगर हम बात करें तो टंगमर्ग इलाके से जो है एक दुखद खबर निकल कर सामने आ रही है कि जहां पर एक हादसा जो है कल रात देर गए पेश आया और जिसमें एक टूरिस्ट लेडी की जो है मौत वाकया हुई है। तफसीलन में आपको बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम। और अगर हम बात करें, आए रोज़ जो है हादसे देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर घाटी की। अगर हम बात करें तो लगातार जो है हादसे देखने को, हम बात करें तो कल रात देर गए जो है टंगमर्ग के इलाके में जो है एक हादसा पेश आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मरीन होटल जो कि द्रंग में है वहाँ पर जो है एक ATV जेरी नंबर JK05K7802 जो कि आदिल अहमद लोन चला रहा था, सन ऑफ गुलाम हसन लोन, जो माइन का रहने वाला बताया जा रहा है। और जो ये टूरिस्ट लेडी जिसका नाम बताया जा रहा है अंजू राखी जी बताया जा रहा है, और जो कि बीकानेर राजस्थान की रहने वाली बताई जा रही है, जो इस हादसे में जो है गंभीर रूप से घायल हुई और उसके बाद SGH हॉस्पिटल, अगर टंगमर्ग की बात करें तो इसको वहां पर पहुंचाया गया और वहां पर जो है फर्स्ट एड देकर इसको जो है श्रीनगर के SKIMS सोरा मुंतकिल किया गया मजीद इलाज मालजे के लिए। तो वहीं अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद भी जो है अंजू ने अपनी आखिरी सांसें ली, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये क्रिटिकली इंजर्ड हुई थी और इस हादसे में ये क्रिटिकली इंजर्ड हुई थी और उस डॉक्टरों की जानिब से कोशिशें भी की गई लेकिन इसको बचाया नहीं जा सका। तो उसी हवाले से अगर हम देखें, पुलिस स्टेशन में जो है एक FIR भी दर्ज की जा चुकी है। FIR नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, FIR नंबर 99/2023 के तहत एक केस भी दर्ज किया गया और बताया ये भी जा रहा है कि आदिल अहमद लोन जो ये ड्राइव कर रहा था ATV, इसको जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद इससे पूछताछ जो है इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से शुरू की जा चुकी है। तो वहीं अगर हम देखें तो आए रोज़ ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं और जिसमें कीमती जाने कहीं ना कहीं ज़ाया होती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं अगर हम दूसरे हादसे की बात करें, कल रात देर गए जो है सोपोर के इलाके में भी जो है, सोपोर के इकबाल मार्केट में भी जो है ये हादसा जो है देखने को मिला, जब एक टू व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो उसके बाद दो लोग इस पे सवार थे और दोनों जो है ज़ख्मी हुए और उसके बाद वहाँ पे मकामी लोगों की जानिब से इनको हॉस्पिटल सोपोर SGH हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया। आपको बताना चाहूँगा कि इनको हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया और जिसके नतीजे में अगर बात करें तो ये दोनों जो है ज़ख्मी हुए और इनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, एक का नाम जो है साहिल अहमद मीर बताया जा रहा है और दूसरे का नाम जो है शाहिद अहमद बताया जा रहा है कि जो कि सोपोर के दबगांव इलाके से ताल्लुक रखते हैं। और बताया जा रहा है कि इन दोनों की कंडीशन जो है स्टेबल है, दोनों जो है खतरे से बाहर है और इनका इलाज मालजा जो है सोपोर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। तो आए वही अगर हम बात करें तो आए रोज़ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं और वहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से, या अगर हम देखें जो सेफ्टी गार्ड्स, अगर हम टू व्हीलर चलाते तो आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, या अगर हम गाड़ी चलाते तो आप जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करें ताकि इन हादसों से बचा जा सके। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, आप बने रहिए JK 24/7 के साथ।